फूल की तरह खूबसूरत हो, बहुत नाजुक हो। शादी होने के 3 महीने बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो पति की बहुत थू-थू होती है। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा, मगर वो खूबसूरती किसी लड़की में नहीं जो खूबसूरती तुम्हारे अंदर है। ये मेरी अंतरात्मा कह रही है। नहीं, तुम्हारी जैसी खूबसूरत इस जहां में नहीं है। तुम्हारी जो चंचलता है, आहा, क्या कहना उसका। उस दिन मेले में मैंने तुम्हें देखने के बाद मधु रुको। भले ही अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी। मालिक, नहीं। मालकिन का भाई गांव में आ चुका है। इसका भाई? हाँ मालिक, वही ना जो दुबई गया था। हाँ मालिक। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। मौत उसे। नहीं, मेरे भाई को कुछ मत कीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ। उसे कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए उसे। तुमको कुछ ना करूं, तुम्हारे भाई को कुछ ना करूं, मेरा कुछ ना करने से क्या फायदा। आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, पर मेरे भैया को कुछ मत करिए। अभी तो तुमने कहा कि मैं मर जाऊंगी। नहीं 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 करूंगी, मैं आपके साथ जीऊंगी। आज जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। बाल खुला है, सेंट डाला है, बताइए क्या करना है मुझे। मुझे कुछ नहीं करना है अभी। जब तुम्हारा भाई इधर आए तो उसकी पूरी इज्जत करना और इज्जत के साथ भेज देना, और कहना कि मैं अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो तुम दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। चलो बताओ। भैया मत बचा। क्या हुआ भैया? हमारी मालकिन आपको बार बार भैया कह रही थी,
और हमारे आदमी आप पर चाकू चला रहे थे। सच बताइए मुझे बात क्या है। मेरी बहन की जिंदगी तूने बर्बाद की और अब ये ड्रामा कर रहा है। उस दिन मालकिन भी यही बोली थी और आज आप भी यही बोल रहे हैं। सच बताइए आखिर मालकिन की जिंदगी मैंने कैसे बर्बाद की है। तूने अपना फोटो दिखाकर उस बुड्ढे से मेरी बहन की शादी करा दी, ये अन्याय नहीं तो और क्या है। वो बुड्ढा जो मरने की उम्र में है उससे मेरी फूल जैसी बहन की शादी हुई, ये अन्याय नहीं तो और क्या है। कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। मैं सोच रहा था कि मालकिन की मर्जी से ये शादी हुई है। नहीं, मेरी बहन जिस आदमी से शादी करना चाहती थी वो तुम थे। ये लो मेरी बहन की लिखी हुई चिट्ठी। भैया भैया, जो कुछ भी हुआ है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। भैया अगर तुम्हारा इस पाप में हाथ नहीं है तो इस पाप की नगरी से मेरी बहन को कहीं कहीं दूर लेकर चले जा। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बहन को बचा लो। भैया भैया, मालिक मालिक, दांत को सारा सच पता चल गया। अबे तो इसमें क्या हुआ, मालिक फिर भी उसके भगवान जैसे ही रहेंगे। जब तक सच का पता नहीं रहता, जब सच का पता चलेगा तो श्री राम का सामना करने वाला हनुमान बन जाएगा वो। हेलो इंस्पेक्टर। राज के साले का तुमने मर्डर किया है, यू आर अंडर अरेस्ट। मेरी बात मानिए, मैंने हत्या नहीं की है। तुम्हें जो कुछ कहना है थाने चल करके कहो। चलो मेरी बहन जिस आदमी से शादी करना चाहती थी वो तुम थे। जिस आदमी से शादी करना चाहती थी वो तुम थे। मेरी बहन को इस पाप की नगरी से बचा लो। मेरी बहन को दूर ले जाओ। मेरी बहन को बचा लो, बचा लो। दास यहाँ पर क्यों आया है? अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? बता, सच बता। किस बारे में? मधु की शादी के लिए तूने जो झूठ बोला उसके बारे में सब कुछ बता। झूठ बोला? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बता नहीं तो भूल जाऊंगा कि तू औरत है। बताती हूँ दास। भूपति के आदमी घर आकर मुझे पैसे के लालच देकर। मैं तुझे समझा रहा हूं, उसको मैंने पाला पोसा है। तुम नहीं मानी तो वो मरेगा। ये आखिरी चेतावनी है, तेरा भी वही हाल होगा। Mom!
भी युग बदल जाए औरत की जिंदगी कभी नहीं बदलती। इस छोटी सी दुनिया में एक तू और एक मैं जी नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। आपके लिए मैं जिंदा हूं भाभी। इस दुनिया में ऐसा त्याग किसी ने नहीं किया होगा, वैसा त्याग मैं करूंगा आपके लिए भाभी, वैसा त्याग करूंगा मैं। ये पाप है, ये अन्याय है, फिर भी दिल पर पत्थर रखकर यह बंदा आपका रेप करेगा भाभी। मैं अपनी मर्दानगी का आपके लिए त्याग कर रहा हूँ भाभी, आपके लिए त्याग कर रहा हूँ। अगर पंछी का पर होता है तो पंछी उड़ जाती है भाभी, लेकिन पंछी का पर कतर दो तो वो उड़ नहीं पाएगी ना। वैसा ही तुम्हारे साथ हो गया है भाभी, अब तुम उड़ नहीं पाओगी। इससे भैया की मर्दानगी पर शक भी खत्म हो जाएगा, परिवार की इज्जत भी बच जाएगी। मेरे त्याग का महत्व तो बहुत होगा ना भाभी, बोलो ना भाभी, बोलो ना भाभी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, छोड़ो। छोड़ दे, यह अन्याय है। अन्याय क्या है दास, सरदर्द होता है तो झंडू बाम लगाते हैं, ठीक नहीं होता है तो विक्स लगाते हैं। वैसे ही भाभी को भागने की बीमारी है, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। इलाज देखना मना है, बाहर वेट करो, मैं इलाज करके आता हूँ। हे सो जा, सो जा। तुझे क्या हो गया दस? के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ लड़की देखने के लिए चलो, और मैं आपके सामने जाकर बैठ गया। मेरा यही दोष है, यही सच है, आप मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में ही मेरे कारण आपकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। मैं इसका प्रायश्चित करूंगा, मैं आपको इस नर्क से खुद बाहर लेकर जाऊंगा। हमारे आदमियों को मारकर मालकिन को लेकर जा रहा है। उसको अपने गेट से बाहर जाने से पहले जमीन में गाड़ दो।